तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, और उसका टॉपिक है प्रोटेक्शन मेथड। कि आप अपने सीट को, अपने डेटा को, अपने फाइल को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्शन की पूरी सी बेसिक से एडवांस हर एक चीज के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आखिर क्या होता है प्रोटेक्शन, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं, जानकारी देते हैं। क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई फाइल है, उसकी कुछ सीट्स है, सीट्स में कुछ डेटा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे डेटा का कोई भी छेड़छाड़ करे, तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात, अगर रूम में आप चाहते कोई ना घुसे तो आप ताला मार देंगे। तो हम इस पे सीट के ऊपर राइट क्लिक करें, या फिर आपके होम मेनू बार में यहाँ फॉर्मेट में आपके प्रोटेक्ट शीट होता है, या फिर रिव्यू में, ये ऑप्शन तीन तीन जगह पे है प्रोटेक्ट शीट होता है। तो आप कहीं से, जनरली हम लोग सीट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं एंड प्रोटेक्ट शीट जा करते हैं। अब इसमें हम पासवर्ड डालते हैं, लेकिन पासवर्ड डालने से पहले, एक्सेल की किसी भी तरह का पासवर्ड डालने से पहले ये चीज आप जान लीजिए कि अगर पासवर्ड आपका लॉस्ट हो जाता है तो रिकवर नहीं कर सकते। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इफ यू लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। लेकिन फिर भी अगर पासवर्ड आपको भूल जाते हैं तो एक्सेल के थ्रू तो नहीं, लेकिन इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे क्रैकर मौजूद है जो कि आपकी फाइल को फाइल के पासवर्ड को क्रैक कर देता है, बहुत सारे हैं। लेकिन वो भी उसी फाइल को, उस सिंपल पासवर्ड को कर पाएंगे। अगर आपको जो है, आपके पास अगर मान लीजिए कि ये है, कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड है, स्पेशल कैरेक्टर, लोअर केस, अपर केस, इस तरह से है, तो नहीं कर पाएंगे। यदि ध्यान रखिएगा, अब हमने पासवर्ड डाल दिया, अब मैं इस पे किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकता। ये तो सिंपल चीजें होगी, मुकेश जी और संदर जी आप सोच रहे होंगे तो सर मुझे आता ही है, सर फालतू में बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद की चीजें आपके साथ रिसर्च करेंगे, हम डेटा को कॉपी तो कर सकते हैं क्या मुकेश जी? जी जी, डेटा को हम कॉपी तो कर सकते हैं। अब जैसे कि आप रूम, आपके कमरे में कोई ना जाए, इसके लिए आपने ताला मार दिया। अब यदि कमरे में कोई जाए लेकिन कोई चीज उठा ना पाए, जैसे कि म्यूजियम आप जा तो सकते हैं लेकिन कुछ उठा नहीं सकते, तो मैं चाहता हूं कि जस्ट इसके वो प्रिंट ले सके, व्यू कर सकते हैं, बट किसी भी तरह की कॉपी पेस्ट ना कर सकते। अब यही भी एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक्सेल में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके जरिए आप कॉपी पेस्ट को डिसेबल कर सके। क्या शंबर जी, मुकेश जी, सही बोल रहा हूं? हाँ जी सर, सही बोल रहे। तो क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए आप वो पहले अपना जितना भी डेटा है ना, वो फॉर्मेट सेल्स में जाके पहले आप पूरा को अनलॉक कर दो। आप एक चीज देखिए, सबसे पहले आप एक चीज देखिए, अनलॉक नहीं होता है सर, उसकी वो चीज नहीं है। यहाँ पे देखिए, राइट क्लिक करते हैं हम, प्रोटेक्ट शीट करते हैं। तो प्रोटेक्ट शीट में यहाँ पे देखिए क्या है, अलाउ ऑल यूजर ऑफ वर्कशीट, मतलब कि पासवर्ड डालने के बाद मैं जिस पे क्लिक करूंगा वो चीज अप्लाई होगी। जैसे मैंने क्लिक कर दिया फॉर्मेट सेल, अब पासवर्ड डाल के ओके कर दिया, अब मैं कुछ चेंज भी नहीं कर सकता, बट मैं डेटा को फॉर्मेट कर सकता हूं अपने हिसाब से। समझ गए? हाँ जी। तो सेम उसी तरह से आप यहां पे जाते हैं, प्रोटेक्ट शीट में जाते हैं, तो यहां पे क्या है, सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल।
अब लॉक्ड और अनलॉक्ड क्या होता है इसके बारे में हम हाँ थोड़ी देर बाद जिक्र करेंगे, लेकिन इससे इतना पता चलता है कि सिलेक्शन की अथॉरिटी दी गई है कि हाँ पासवर्ड के बाद यूजर कैन बी सिलेक्ट द डेटा। अब यहीं पे एक थ्योरी आती है कि अगर मान लीजिए मुकेश जी कि आप जब तक डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कॉपी क्या करेंगे, क्या सर? बिल्कुल तो मैंने यहाँ क्या किया, सिलेक्शन हटा दिया। तो हर एंगल से सोचना होता है तब जाके आपका ये होता है। अब मैं कहीं क्लिक ही नहीं कर सकता तो कंट्रोल सी दबाऊंगा तो एक जो सेल होगा वो कॉपी होगा, तो एक ब्लैंक सेल पे डाल देंगे उसको उठा के। ठीक है, हाँ जी समझ आ गया? हाँ जी सर मुकेश जी समझ में आया आपको? जी अब जी इसको जब मैं सिलेक्शन अनसेलेक्ट, का ऑप्शन किया उसको मैंने तो वो सिलेक्ट भी नहीं कर पाएगा, कंट्रोल ए से भी नहीं कर पाएगा। हाँ ना, सिलेक्ट नहीं कर पाएगा और कॉपी भी नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। अब मैं चाहता हूं एक पर्टिकुलर एरिया जो हमारा है उसको प्रोटेक्शन से बाहर रखना, समझ गए? मतलब कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने पूरे सीट पे कहीं भी टाइप करूं तो टाइप ना हो बट इस एरिया पे टाइप हो जाए। तो उस केस में हम राइट क्लिक करके हम प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे। यहां पे देखिए क्या है, प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड कंटेंट ऑफ लॉक से, और यहां भी लॉक अनलॉक की जिक्र हुआ है। जानते हैं कि लॉक अनलॉक क्या होता है? देखिए बाय डिफॉल्ट सेल आपका सेल की प्रॉपर्टी लॉक होती है, कैसे पता चलेगा? फॉर्मेट फॉर्मेट सेल में सेल्स, जाए सिक्योरिटी सिक्योरिटी फॉर्मेट सेल्स। हाँ, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और फॉर्मेट सेल के ऊपर सबसे लास्ट में प्रोटेक्शन आता है। अब इस प्रोटेक्शन में लॉक्ड है, ये लॉक्ड है मतलब कि इसकी सेल लॉक्ड है, इस पे पासवर्ड अप्लीकेबल होगा। हटा दूंगा तो पासवर्ड अप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैंने इसको राइट क्लिक किया, सिलेक्ट किया इस पे और राइट क्लिक किया और गया फॉर्मेट सेल में और यहां से लॉक को हटा दिया। अब पूरा अनलॉक कर सेल लिया। हमारा लॉक है, ये हमारा अनलॉक है। अब मैं राइट क्लिक करके यहां प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन सॉरी प्रोटेक्ट शीट पे आता हूं और मैं इसको ओके कर देता हूं। तो मैं यहां पे टाइप नहीं कर पाऊंगा, यहां पे टाइप कर पाऊंगा। इसका यूज कहां करते हैं? इसका यूज करते हैं जैसे आपके पास एक डेटा टेबल है उसमें आप एंट्री किसी से करवाना चाहते हो, लेकिन आपने आप चाहते हैं कि मेरे कुछ ही कॉलम में एंट्री हो। जैसे मान लीजिए ना कि आप ईएमआई आपकी कंपनी फाइनेंस कंपनी, आप ईएमआई की एंट्री करवाना चाहते हैं तो ईएमआई की एंट्री में आपको तीन ही चीज का एंट्री करवाना है, डेट, ईएमआई और लोन आईडी। तो लोन आईडी डालते ही पूरी की पूरी डिटेल्स आपकी वीलुकअप या अदर सीओ से आ जाती है। ठीक है, जी। तो आप चाहते हैं कि बाकी जो चीजें फॉर्मूले लगा लगा हुआ है, बाकी डिटेल आ रहा है वो चेंज ना हो, सिर्फ हमारा लोन आईडी, डेट और ईएमआई पे वैल्यू टाइप हो, तो इस चीजों का इस फैसिलिटी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और आगे हम करेंगे भी। ठीक है, लेकिन मैं इसी को उल्टा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस पूरे एरिया में टाइप हो, सिर्फ इस एरिया में टाइप ना हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक सेल बाय डिफॉल्ट हमारा लॉक्ड होता है, तो मैंने ए और वन के बीच में जो ट्रायंगल है इस पे क्लिक किया और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे गया और इस पे हमने लॉक को हटा दिया। अब क्या है कि आप पासवर्ड डालने के बाद ओवरऑल सीट पे वर्क होगा। तो मैंने वापस जो है इसको क्या बोलते हैं, वापस इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल में गया और फिर इस पे लॉक को लगा दिया। मतलब कि पूरी सीट अनलॉक है, सिर्फ ए एरिया हमारा लॉक्ड है। लॉक्ड तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और ओके करेंगे। मैं पासवर्ड नहीं डालना हो लेकिन आप पासवर्ड डाल लीजिएगा।
इसलिए आपको टाइप नहीं करना है। क्लियर है? हाँ जी। मुकेश जी, सरवर जी, गुड आउट इसमें? हाँ जी सर, क्लियर है, क्लियर। लेकिन इसका बेसिकली यूज क्या है, तो चलिए इसका यूज हम आपको बताते हैं। मान लीजिए मुझे एक डेटा एंट्री करवानी है, तो उसमें हमारा ये है नेम, हम नेम एंट्री करते हैं, फिर हमारा क्वांटिटी है एमआरपी, अमाउंट, कमीशन, जीएसटी, टोटल, डेट। ठीक है, तो जो हमारा अमाउंट है इज अ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एमआरपी। ठीक है, कमीशंस, कमीशंस को हमने अमाउंट का 10% नहीं 2%, 10% तो बहुत ज्यादा हो गया, 2% ही होता है ना सर। और जीएसटी अमाउंट का 18%, ज्यादा ही होता है। और फिर इसका टोटल ले लिया और फिर इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर। अब मैं किसी से डेटा एंट्री करवाता हूं, तो वो डेटा एंट्री कैसे करता है? एक कॉल में जाके करेगा सर। यहां वो मान लीजिए नाम लिया पूजा, क्वांटिटी 20, एमआरपी हो गया 551, और फिर यहां पे अब मुझे क्या है, एक एक करके यहाँ पे जाना होगा, फिर डेट और यहाँ पे टाइम डालना होगा। मतलब कि मुझे हर एंट्री पे हमारा 3 से 4 सेकेंड बर्बाद होता है। क्या? हाँ जी सर। तो ये चारों सेल हम लॉक कर देंगे ताकि वो, तो हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं कि ये तो लॉक तो करना ही चाहते हैं कि भाई इस पे फॉर्मूला वगैरह है लॉक करना ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जब कर्सर प्रेस करूँ तो मेरा कर्सर यहाँ से सीधे यहाँ जंप हो, मतलब कि मैं इसको सिलेक्ट ही नहीं करूँ। रेंज सिलेक्शन डाल देंगे सर, एडिट रेंज सिलेक्शन का ऑप्शन रहता है। सबसे पहले तो पूरी सीट को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ देख लीजिए, अनलॉक कर देंगे और इसको अनलॉक करेंगे। हाँ जी, अभी लॉक्ड है, लॉक को अनलॉक करेंगे और फिर हम अमाउंट इसको जो है वापस राइट क्लिक करके लॉक कर देंगे। ठीक है, आप पासवर्ड डालते समय यहां पर सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल, सिर्फ मैं लॉक सेल को हटाता हूं, मतलब कि डी ई एफ जी में हम सिलेक्ट नहीं कर पाए। तो अब मैं टाइप करूंगा, जैसे मैंने लिखा ओम 12 अगस्त 30, और जैसे टैब प्रेस करूंगा मेरा कर्सर डायरेक्ट वहां पर चला जाएगा। दो फायदे हुए, एक तो मेरा फॉर्मूला कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, दूसरा मेरा टाइम भी बचेगा। जो छोटा सा डेटा है समझ रहे हो, लेकिन मान लीजिए ऐसे कॉलम, ऐसे डेटा जिसमें 500, 700 या 200 या 50 ही कॉलम्स है, वहां पे ये बहुत अच्छा होगा। हाँ सर, सही है सर। अभी ये तो बता दिया आपने कि कॉलम डी से लेके, सॉरी ई से लेके अपना जी तक फॉर्मूला है, राइट? हाँ। तो डायरेक्ट अभी वहां जा रहा है, एच पे जा रहा है। हाँ। तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, अभी आपने कॉलम डी से लेके आपने जी तक कर दिया। हाँ। अभी आप जब आई में जाओगे तो आई में एंटर प्रेस करना, डायरेक्ट ए पे आना चाहिए, ऐसा भी है क्या? ऐसा भी कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट आई में ए पे आना चाहिए? हाँ, अभी जैसे आप टाइम डाले आप आई में, अब डायरेक्ट एंटर मारोगे तो उसमें आना चाहिए ए पे, ए4 पे आना चाहिए। इसके लिए फिर आपको, ऐसा तो नहीं है,
उसके लिए आप टेबल जैसे आप एंट्री करने के बाद सबसे पहले पाना चाहते हो ना, तो उसके लिए शायद टेबल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, होम में ही टेबल होता है। ठीक है ना, अब जो एंट्री करूंगा मैं, मान लीजिए कि मैं चलो एक करता हूँ, तीन ही चाहे एंट्री, जैसे यहाँ पे मान लीजिए नेम है, यहाँ पे रोल है, सिटी है और इमाम। ठीक है, देख रहे आगे ना लास्ट में पूजा सिटी 200 अमाउंट 36 एंटरप्राइज किया ओके, उसको टेबल में कन्वर्ट करना। तो क्या इसमें ऐसा हो सकता है? तो पहले इसको तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ और फिर इसको टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ सर, मैंने इससे पहले कभी सप्लाई किया नहीं है, थ्योरी थ्योरी सप्लाई तो हो सकता है, नहीं हुआ तो फिर हंसिएगा मत सर, नहीं हुआ नहीं 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 सर, पर ऐसी डर का बात सर, नो वन इज परफेक्ट सर। ठीक है ओके, अभी देखिए हमने गलती क्या हुआ, हमने पास ये प्रोटेक्ट नहीं किया ना, प्रोटेक्ट शीट एंड ओके करता हूँ, यहाँ पे हमने दिया डेट कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ, एंटर मारता हूँ, नहीं प्रोटेक्ट करने के बाद नहीं होता है, नहीं ऐसे हो सकता है, बट आफ्टर प्रोटेक्शन ऐसा नहीं कर सकते, ये लॉक अनलॉक से मैनेज करके हो जाएगा और डायरेक्टली वो वहीं पे आ जाएगा। क्या जो सेल आपने लॉक वगैरह किए ना, उसको केवल अगर एनी जिस पे वर्किंग करनी है वो वाली लॉक को सेल्स को अलाउ करेंगे तो डायरेक्टली आ जाता है। नहीं नहीं, इनका कहने मतलब नहीं समझे कि मैं ऐसे टाइप करूं हाँ और वो यही आएगा, लास्ट एंट्री करूं तो मेरा कर्सर नीचे नहीं आया, मेरा कर्सर सबसे फर्स्ट में आ जाए, जैसे यहाँ पे मैं डिलीट कर दिया, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे मैं नमन कर दिया, टू कर दिया, यहाँ पे मैं डाल दिया, और यहाँ पे जैसे मैं डाला और जैसे डालने के बाद जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो कर्सर मेरा डी फोर में नहीं आएगा, ये डी ए फोर में चला जाएगा। A4. तो आप ध्यान से देख रहे होंगे ए फोर में आने के लिए पूरा कर्सर जब आ रहा है एक एक करके जा रहा है, इसी कारण से जब यहां से एक एक करके जाते हैं वो सिलेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए वो जहां है वहीं पर आ जाता है। थ्योरी एक आती है, अब प्रैक्टिकल के लिए मुझे थोड़ा सा इस पर रिसर्च करूंगा तो हो सकता है, बट अगर आप प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं करते हैं तो यू कैन यूज द टेबल एंड आप जो चाह रहे हो जाएगा। हाँ सर, और टेबल में जब अपन टेबल में जब रखते हैं ना कुछ भी डेटा तो उसमें एक्चुअली कोई फॉर्मूला लगाते हैं अपन, तो फॉर्मूला कुछ अपने को बताता है कुछ रेफरेंस वगैरह? बेसिकली क्या है ना, जब आप टेबल में रखते हैं तो इस रेंज को, इस एरिया को फिर वो रेंज में ए वन बी वन सी वन भी मानता है, इसका एक नाम दे दिया टेबल वन, और टेबल के अंदर फील्ड होते हैं, जैसे कि मैंने अगर इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे देख रहे हैं @ रोल होना है। हाँ जी सर, इस सारे जितने भी सेल्स है सारे सेल का वो एक अपना नाम दे दिए हुए, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो जब अपन टेबल में कर रहे हैं टेबल कन्वर्ट करके टेबल नहीं, आपको टेबल नहीं रखना है तो आप ऊपर में ही डिजाइन में आइए, कन्वर्ट टू टेबल कर कन्वर्ट टू रेंज कर दीजिए, उसके बाद नॉर्मल रेंज होगी आपका, समझ गए सर? एक बार आप ट्राई करिए, आप एक बार डेटा एंटर करो उसमें जाके, हाँ इसमें डेटा एंटर करो एक बार, हाँ एंटर करो, यहाँ भी आ गया सर देखो, हाँ आ जाता है कन्वर्ट टू रेंज करने के बाद। ये मेमोरी में इसको रीड कर लेता है ना, कि एंट्री रीड कर लेता है, इससे ऐसा होता है, इसकी पीछे एक एल्गोरिथम है जो हम आगे कभी फ्री टाइम में समझाएंगे आपको। ओके, इसके पीछे और ऑटो सजेशन जो आता है उसके पीछे एक एल्गोरिथम है, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है। अभी हम टॉपिक पे बैक आते हैं, अभी क्या है कि मैं चाहता हूँ अपने फॉर्मूला को हिडन करना, मैं चाहता हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगाया है कोई इसको देख ना सके, ऐसा इसलिए
हम अपने ऑफिस में इसका यूज करते थे, क्योंकि हम फाइल को कहीं से जाए सारे जगहों पे भेजते थे, तो वहां पे कमीशन लगे होते थे, कमीशन का रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था। तो प्रॉब्लम क्या होता था कि कई सारे मतलब अलग अलग लोगों के अलग 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 कमीशन रेट होते थे। तो हम लोग हाई अचीवर का डेटा भेजते थे कि हाँ इन्होंने हमारे ये वेंडर है इन्होंने इतना परसेंट इतना रुपए का कमीशन एक किया है अचीव किया है, तो वो बेसिकली एक्सेल फाइल में वो हमारे बॉस मांगते थे और बॉस बोलते थे कि मैं आगे भेजू तो कोई इसका फॉर्मूला ना दे सके। सिंपल सी बात है कि मैं इस ऊपर फॉर्मूला वाल को डिसेबल करना चाहता हूं, तो राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाए, यहां जो लॉक्ड है उसके नीचे हिडन है, इस हिडन पे क्लिक करके ओके कर दू। अब मैं इसमें पासवर्ड डालूंगा तो यहां पे देखिए नहीं दिखेगा। अब यहां देखिए दिख रहा है 52 बट यहां नहीं दिखेगा। अगर मैंने इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट भी कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पेस्ट कर दिया, तो मेरा डेटा पेस्ट होगा, वैल्यू पेस्ट नहीं होगा। ठीक है मुकेश जी एंड समरण जी, कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं ठीक। अब मैं बात करता हूं, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक सीट पे कई सारे रेंज है, जैसे कि मैं इसका यूज अपने एक सिटी फाइनेंस में जब काम करता था कलेक्शन सेंटर में, तो वहां इसका इस्तेमाल करता था। जैसे कि मेरे पास दो टीम है, टीम ए और टीम बी। जैसे कलेक्शन में क्या होता था कि हम लोग क्या होता है, जिनकी चेक बाउंस हो जाती थी, ईसीएस बाउंस हो जाता था, उनको हम लोग कॉल करते थे कि भाई आपका चेक बाउंस हो गया, इस महीने की पेमेंट कैसे करेंगे? वो तो बोलते थे हाँ पेमेंट बैंक के पैसे नहीं थे, एक काम कीजिए आप 10 तारीख को आइए पैसा ले जाइए। तो टेलीकॉल का काम था कॉल करके टाइम लेना। अब 10 तारीख का टाइम दिया, टेलीकॉलर अपने उसमें अपने कॉलम में डाल देगा P2P 19 to 2 में 10 तारीख। अब 10 तारीख को कौन सा लड़का जाएगा फील्ड, उसके टिप जाएगा। अब इसकी जो फील्ड टीम होती थी वो उसका डालती थी कि हाँ इस पे मुकेश कुमार, इस पे रवि कुमार, इस पे फलाना फलाना जाएगा, उस कॉलम में फील्ड टीम डालती थी। उसके बाद क्या होता था कि रिकवरी टीम जो होती थी, जो कंफर्मेशन टीम होती थी, वो कंफर्म करती थी इसकी टीम, तो फील्ड टीम का काम था कि क्या तुमने पैसा कलेक्ट किया, हाँ पैसा कलेक्ट किया, चेक या कैश, मोड क्या है और कितना है, उसकी एंट्री करते थे। फिर वो आती एक वेरिफिकेशन के पास जाती थी, कस्टमर से वेरीफाई होता था कि हाँ आपके पास एजेंट आया तो हाँ आपने पैसा दिया, हाँ कितना दिया, कितना दिया, आपको रिसीट मिला, हाँ मिला, उसकी वेरिफिकेशन डाल दी थी। लास्ट में वो मेरे पास आती थी जो कि जिससे मैच करता था कि आज फील्ड टीम ने कलेक्टेड अमाउंट कितना दिया है और हमारे जो टेलीकॉलर टीम है उन्होंने कितना बताया कि कलेक्ट होना है। तो उसमें क्या होता था कि फील्ड टीम बीच में गोची कर देती थी कि अगर उनके पास मान लीजिए बंदे कम पड़ रहे हैं तो कस्टमर से डायरेक्ट कॉल करके बात कर लेते थे और प्रॉमिस टू P2P को चेंज कर देते थे। अब मेल पे हमारे पास जो कल फाइल सामने आती थी कि हाँ इतने बंदों से कॉल करनी है, उसमें कुछ और होता था और आज कुछ और होता था। हमारा हर दिन घंटा दो घंटा का टाइम वेस्ट हो जाता था इस चीज को ट्रैक करने के लिए। तो हमने कॉमन फाइल बनाई और बोला कि भाई आपको एंट्री यहां करनी है, आपको एंट्री यहां करनी है, आपको एंट्री यहां करनी है, आप इसको छेड़ नहीं सकते, आप इसको छेड़ नहीं सकते। अब कहने से तो नहीं छेड़ेंगे सर, रुकेगा ऐसा है नहीं। मैंने इन सबों का अलग अलग पासवर्ड दे दिया। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड दिया। कहां से? यहां देखिए रिव्यू में मैं गया, रिव्यू में हमारे पास है अलाउ एडिट रेंज, अलाउ एडिट रेंज पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया और यहां पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, ओके, पासवर्ड को कंफर्म किया एंड ओके। फिर वापस न्यू पे क्लिक किया और इस बार जो रेंज है वो दूसरा है, तो मैंने दूसरा रेंज ले लिया। और उसके बाद यहां पे हम अनदर पासवर्ड डालते हैं
ऐसे तीसरा चौथा पांचवा अपना ले सकते हैं, लास्ट में अप्लाई कीजिए एंड ओके कीजिए, लेकिन फिर भी अब ये वर्क नहीं करेगा जब तक कि मैं सीट को प्रोटेक्ट ना कर, मैं सीट पे पासवर्ड डाल के ओके कर दिया। अब क्या है कि मैं सीट पे कहीं भी काम नहीं कर सकता, लेकिन जैसे इस पे काम करने जाऊंगा मुझसे पासवर्ड पूछेगा। मैंने इसमें पासवर्ड दे दिया, अब मैं इस पे काम कर सकता हूं कब तक, जब तक मैं फाइल को रीओपन ना कर लेता। जैसे मैं अपने फाइल को रीओपन करूंगा तो मुझसे दोबारा पासवर्ड पूछेगा, लेकिन जैसे इस पर एंट्री करने जाऊंगा ये इसका पासवर्ड पूछेगा। ऐसे इसी तरह से हर रेंज हर कॉलम का आप डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड लगा सकते हैं, किसकी मदद से, अलाउ यूजर एडिट रेंज की मदद से। ओके जी संबर जी, समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं कि हमने सीट के अंदर तो बहुत सारी प्रोटेक्शन कर ली, बट सीट प्रोटेक्ट है नहीं, मैं राइट क्लिक करके इसको डिलीट मार सकता हूं। तो सीट को कोई छेड़छाड़ ना कर सके उसके रिव्यू में वर्कबुक होता है, वर्कबुक में पासवर्ड डालिए ओके कीजिए। अब आप ना कोई नई सीट को ऐड कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना रिनेम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फाइल तो ओपन कर सकते हैं, तो फाइल जस्ट आपने क्रिएट की है उसको आप सेव एज करने जा रहे हो, एक नाम एक लोकेशन दे रहे हो फर्स्ट टाइम, तो उसी समय फाइल में पासवर्ड डाल सकते हैं आप। टूल्स में जर्नल ऑप्शन में जाके पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई, अगर पासवर्ड टू ओपन करते हैं तो क्या होगा कि फाइल को ओपन कर सकता है, देखिए एडिट नहीं कर सकता अगर आपने एडिट पासवर्ड उसके पास नहीं है। यहाँ रीड ओनली पे क्लिक करोगे तो वो रिकमेंड करेगा कि प्लीज फाइल को रीड ओनली में ओपन कर ले, क्योंकि पासवर्ड टू मॉडिफाई आपके पास नहीं है। अब पासवर्ड इन मॉडिफाई है तो उसको वो आपका एडिट मोड में ओपन होगा और चेंज कर पाएगा, रीड ओनली में चेंज करेगा तो सेव नहीं होगा, तो इसमें कॉपी तो ये चीज यहाँ कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको फाइल को सेव एज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई मेरी एग्जिस्टिंग फाइल है जिसमें ऑलरेडी कुछ डेटा भरे हुए हैं, अब ऐसे फाइल को अगर मैंने सेव एज किया दिक्कत क्या होगा, मेरे उस फाइल से लिंक जो भी अलग अलग जो लिंक है वो लिंक टूट जाएगा क्या सर? तो मैं चाहता हूं फाइल को बिना सेव एज किए उसको पासवर्ड डाल, उसके लिए हम यहां इन्फो में जाएंगे और इन्फो में जाने के बाद यहां प्रोटेक्ट वर्कबुक में एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, अब यहां पे आप पासवर्ड डाल दीजिए ये फाइल को ओपन करेगा, ओपनिंग पासवर्ड डालेगा सर बिना फाइल को सेव एज किए हुए। ये थी कहानी प्रोटेक्शन मेथड की जो मैंने आपको बताई। अब आपके पास कोई भी किसी भी तरह का डाउट क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ समर जी मुकेश जी कोई डाउट है क्वेश्चन? नहीं सर आप पे भी ये जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था मतलब तो ट्राई करके कल बताएगा सर और एंटर करने वाला ना? हाँ जी सर, हाँ जी। तो प्रोटेक्टेड में करना चाहते हैं, नॉर्मल तो हो ही रहा है, नॉर्मल हो रहा है, प्रोटेक्टेड में सर उसमें हो सकता है क्या? ठीक है देखता हूँ। ओके सर, ओके बाय। और आज की रिकॉर्डिंग आपको मिली गई है फिर भी मैं ड्राइव में डाल देता हूँ। अच्छा दो रिकॉर्डिंग डाल दिए, बाकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो रही है सर।